हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अफसर आईडी के पासवर्ड को किस तरीके से बदल सकते हैं अपने ही मोबाइल से। आपको मशीन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप इसको बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त यार को किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया है और वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, या आप पासवर्ड भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप कितनी आसानी से अपने अफसर आईडी का पासवर्ड अपने ही मोबाइल से आप बदल सकते हो। इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और आपसे गुजारिश है, जाते जाते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से पासवर्ड अपने मोबाइल से बदला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है क्रोम ब्राउज़र अपना खोल लेना है मोबाइल में। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको सर्च बार में, मैं पहले से खोल रखे था, तो सर्च बार में आपको लिखना आएगा चेंज अफसर पासवर्ड। जैसे कि देख सकते हैं मैं नीचे पहले सर्च कर चुका हूं, तो ऐसे आपको भी कर लेना है चेंज अफसर पासवर्ड। पेज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इसका वेबसाइट खुल जाएगी। तो सबसे ऊपरी वाला देखिए आप आ रहा होगा ब्लू कलर का रिसेट पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वाले पे सबसे ऊपर वाले पे, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको अफसर के पेज पे लेके आ जाएगा। तो अफसर के पेज पे आने के बाद में ये आपको तीन स्टेप मांगेगा आपसे। आपकी आईडी नंबर मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और एक कैप्चा कोड आपको भरना पड़ेगा। ये मतलब कि तीन स्टेप आपको करने हैं। चलो पहला स्टेप करते हैं, अपना आईडी नंबर भरना आएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना आएगा, उसके बाद कैप्चा कोड भरना आएगा, इसमें फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं अपनी आईडी नंबर इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर के बाद ये कैप्चा कोड आपको दिख रहेगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भर देना आएगा। तो चलिए भर देता हूँ मैं। ये कैप्चा कोड पड़ गया आएगा। अब इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना आएगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आएगा। ये नीचे नेक्स्ट दिख रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे, जो एरो दिख रहा है साइड में, उस पर पासपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे पासपोर्ट आएगा, फिर पासपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और नीचे जो है आंसर दिख रहेगा, तो उस पर आप जो है अपना पासपोर्ट का नंबर डाल दीजिएगा। चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ इसमें। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसा कि देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट आएगा, सिंपली आपको इस पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपके जो आप मोबाइल नंबर डाला है उसी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको इसमें डाल दीजिएगा। तो जैसे ओटीपी आप डालेंगे तो आपके जो मोबाइल है, मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। तो उससे पहले ओटीपी डालने से पहले आपको ओके पे क्लिक करना आएगा, जैसे नीचे बटन देख रहे हैं आप। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरा जो है पासवर्ड चेंज हो चुका है और मेरे अब मैसेज भी आ चुका है, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा कैसा मैसेज आया, कैसा कोड आएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लिख के आ रहेगा कि आपका बदल चुका हैगा अफसर, वेरिफिकेशन हो चुका हैगा, यानी कि मेरा पासवर्ड बदल चुका है। इसी तरीके आप भी बदल सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं। ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अफसर से मेरा आया हैगा पासवर्ड, नया पासवर्ड हैगा, ये मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका हैगा, पुराना वाला पासवर्ड मैंने हटा दिया, नया पासवर्ड मेरा आ जाएगा। इसी तरीके आप भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिगर सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ।